When's math? It must be maths by Amiya. Welcome again to the world of maths by Amiya. तो अलजेब्रा का one of the best question आपके सामने है, which is question number 37, जो हम लोग 50 series question कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को देखा होगा, देखते ही सॉल्व किया होगा. लोगों को लगता है कि अलजेब्रा बहुत टफ है, बट एक्चुअली अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो देखते ही हमें पता चलता है कि बनाना है या नहीं बनाना है, और ये सब वो क्वेश्चन है जो बनाना है. मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अलजेब्रा के आजकल के जो ट्रेंड्स होते हैं, हम क्वेश्चन सेटर्स का जो ट्रेंड होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीके से ट्विक करते हैं, आपको दे देते हैं. अगर आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा. अगर आप इंजीनियर्स की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्वेश्चन आपसे बनना हो सकता है टफ हो जाएगा. तो हमें इसमें इंजीनियर्स नहीं, हमने इसमें जो लगाना है वो लगाना है एप्टीट्यूड की माइंड. तो हम लोग सीखते हैं एप्टीट्यूड की माइंड. अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो. अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टीम से बात कर सकते हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं. देखिए, क्योंकि ये एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है ना, आप जो भी एग्जाम देने चाहते हो, तो है नहीं कि मैं को मैथ्स चेक करना है कि मैथ्स कितना अच्छा है, उसके बाद मुझको इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मुझको एमसीए करना है, ऐसा नहीं है. ये एप्टीट्यूड है. एप्टीट्यूड के लिए मुझे पता है बॉस वाई जो होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने एक्स का रूट लिखा है, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा, रूट हमेशा पॉजिटिव का निकलता है या जीरो का हो सकता है. वाई को देखो आप क्या लिखे, वाई भी मतलब रूट निकालो, मतलब पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. बट मुझको ये पता है कि दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर अगर 41 हुआ है, तो ये दोनों 41 से वैल्यूज वाइज छोटी होनी चाहिए. y और x दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, मुझको पता है y 41 से छोटा है और परफेक्ट स्क्वायर है, एंड x 31 से छोटा है और परफेक्ट स्क्वायर है. तो 41 और 31 से छोटे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते क्या हैं, 1, 4, 9, 16, 25 और 36. अब हम इसमें हिट एंड ट्रायल लगेंगे, देखते हैं कौन सा आता है कौन सा नहीं आता. 41 से सबसे छोटा वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर जो बगल में है वो क्या है, 36 है. क्या अगर यहाँ पे मैं 36 डालूं, और तो यहाँ पे अगर आप 36 डालोगे तो यहाँ पे आपको 5 होने चाहिए, 25. मतलब मैं y को 36 मानूं और x को 25. और ये मैंने क्या किया, ये हीट एंड ट्रायल किया, ये ऑब्जर्वेशन किया. आजकल ऑब्जर्वेशन ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है. अगर यहाँ 36 यहाँ 25 डाला, क्या यहाँ सेटिस्फाई करता है. यहाँ पे अगर मैं 25 डाल दूं और यहाँ 36 डालूं, 6 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है. तो मतलब एक ही बार में आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया कि करना क्या है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू पुटिंग एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 61. तो हमें तो जितने टफ क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना आना चाहिए, बट इजी वाले क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करना चाहिए. दीज आर कॉल्ड द राउंड वन क्वेश्चन. देखा सॉल्व किया, आगे बढ़ें. क्योंकि अब जो है टाइमिंग बहुत कम हो गया है हर एक एग्जाम का. अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होनी चाहिए. मैं आपको फिर से बताता हूँ. टेक एग्जाम्पल ऑफ कैट. कैट में अगर आपको लगता है ना 40 मिनट्स हैं क्वांट के लिए, मान लो मैं क्वांट की बात करता हूँ, तो एक्चुअली आपके पास 40 मिनट नहीं है, आपके पास 35 मिनट्स ही हैं. 5 मिनट तो आप वी और डीआईएलआर का हैंगओवर यहाँ पे लेके आओगे. कोई भी हो जो आपको कितना भी बोलता हो क्या है नहीं है, आप ये मान लो 40 मिनट से में 5 मिनट तो आप हैंगओवर या डिस्ट्रैक्शन के साथ ही जीनोगे. तो आपको अब जीना किस में है. अगर आप अपने आपको 35 मिनट के रेस के लिए प्रिपेयर करते हो तो 40 मिनट का रेस आपका होगा. तो आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, 35 मिनट का रेस देना स्टार्ट कर दो, सेक्शन टेस्ट जितना पॉसिबल है. मैं बहुत जल्द स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अगर आप साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए. फेसबुक ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए. या अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक प्रैक्टिस मॉड्यूल डिसिप्लिन वे से चले, क्योंकि हम लोग वो लेने आके आ रहे हैं 29 से, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए. मेरा एक ही एम है, आइए मिलकर बेच देते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं. माय सेल्फ अमिया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.